हाड़पुर पुलिस पर भीड़ ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिस वाला गाड़ी के दूसरी तरफ जाता है, बचने की कोशिश करता है। पुलिस वाला अपने कमर से पिस्टल निकालता है, लेकिन गांव वालों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं दिखाई देता। हाथ में पिस्टल लिए पुलिस के जवान पर घेर कर हमला कर दिया जाता है और फिर लाठी डंडों की बरसात कर दी जाती है। पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए पिस्टल लहराता है, लेकिन इन हमलावरों को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दबंग पुलिस वाले पर हमला बोल देते हैं। पुलिस वाला भागता है, बचने की कोशिश करता है, तभी एक लड़का फावड़ा लेकर आता है और उससे पुलिस वाले पर हमला कर देता है। पुलिस वाले अपना बचाव करते हैं। सब इंस्पेक्टर बंदूक लेकर रोकता है तो उसके बगल में खड़ा होमगार्ड राइफल लेकर गांव वालों को दूर जाने को कहता है, लेकिन गांव वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस वालों को लाठी डंडों से मारकर हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। ग्रामीणों के हमले में एक सब इंस्पेक्टर का सिर फट जाता है। आखिर पुलिस वालों पर हमला क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमले से ठीक पहले का वीडियो देखिए। दरअसल मोतिहारी पुलिस पहाड़पुर थाना इलाके में शंभू भगत के बेटे को गिरफ्तार करने गई थी। शंभू के बेटे पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज है। पुलिस ने जब गिरफ्तार कर आरोपी को साथ चलने को कहा, तब आरोपी का पिता शंभुनाथ आग बबूला हो गया और ग्रामीणों के साथ लाठी डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया।